हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम क्लास टेंथ की केमिस्ट्री जो लेसन दो है अम्ल क्षारक और लवण, इसमें हम देखेंगे कि एनसीईआरटी प्रश्न एवं उनके उत्तर, यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बता दें कि अम्ल और क्षारक और लवण क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा अम्ल होता है कि अम्ल हमारा जल में घुल कर एच प्लस आयन देता है। क्या देता है? हमारा जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर एच प्लस आयन निर्माण करता है। अब वहाँ पे हमारा एच प्लस निर्माण कैसे करेगा? यहाँ पर जैसे कि एच सी एल एक अम्ल है प्लस सॉरी यहाँ पे एच टू यानी जल से निर्माण किया तो एच प्लस प्लस सी एल माइनस। यहाँ पे इस तरह से हमने अम्ल की परिभाषा देगा। और क्षारक होता है कि जब ये जल में घुलकर ओ एच आयन देता है, ओ एच आयन देता है। तो यहाँ पर अम्ल हमारा एच प्लस आयन देता है और ओ एच हमारा कब देता है? जब क्षारक जल में घुलेगा तब देता है। तो आइए हम इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि आपको तीन प्रणाली दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? हमारे पास दिया गया एक दो तीन प्रणाली, जिसमें एक में है आश्रित जल यानी जल दिया गया है और दूसरे में अम्ल और तीसरे में है मान लीजिए कि क्षारक। अब हम इन तीनों में से पता करना है कि किस में अम्ल और किस में क्षारीय क्षारक है और किस में आश्रित जल रखा है। अब हमको एक लिटमस पत्र दिया जा रहा है जिसमें से हमको पहचान करना है उस पदार्थों के। तो आइए अब हम देखते हैं इसका जवाब। लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों प्रणाली में डालते हैं। जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षारीय विलयन है। क्या है? जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षारीय विलयन है। अब नीला हुआ लिटमस पत्र को बारी बारी से शेष दो प्रणालियों में डालते हैं। जो विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्लीय है। कहने का मतलब जो हमारा लाल को नीला कर देता है वह क्षारीय है और नीला को जो लाल बना देता है वो अम्लीय होता है। अब यहाँ पर कह रहे कि शेष बचा विलयन आशुत जल है क्योंकि इसमें लाल एवं सॉरी यहाँ पे नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमारा पहला क्या हो गया जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? हमारा क्वेश्चन है दूसरा कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आइए हम इसका जानते हैं जवाब कि क्यों नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल धातुओं यानी पीतल एवं तांबा में अभिक्रिया कर लवण एवं H2 गैस बनाते हैं जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है, साथ ही बर्तन संक्षारित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विषैला पदार्थ हो जाता है जिसके कारण हमारा वो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखे दही खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए जिसके कारण वो विषैला पदार्थ हो जाता है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीन नंबर। कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। कह रहे कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होने पर
सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति को जांच आप कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए एक प्रणाली में लगभग 5 ml तनु H2SO4 अम्ल लेकर उसे जिंक के टुकड़े को डालते हैं। एक निकास नली को कार्क के सहारे प्रणाली में कसकर लगा देते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करते हैं, जिसे बुलबुले बनते हैं। बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती की लाते हैं। मोमबत्ती को लाते हैं तो बुलबुले फूट जाते हैं और गैस फट फट आवाज़ के साथ जलती है। इससे साबित होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर यानी आंसर क्या है। कि चूंकि उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, इसलिए गैस CO2 है। क्या है? CO2 है। उत्पन्न यौगिक कैल्शियम क्लोराइड, अतः यौगिक एक कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर CaCO3 प्लस 2HCl गिब्साइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा इसका रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि HClHNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इसका जवाब देखें। आंसर HClHNO3 आदि अम्ल जलीय विलयनों में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जल में विलय होने पर हाइड्रोजन आयनों के रूप में उनकी हाइड्रोजन पृथक नहीं होती है, अर्थात ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते, इसलिए उसके विलयनों में अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत के चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल में, यहाँ पर आंसर कि अम्ल जल में घुलकर आयन धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। समीकरण यहाँ दिया गया है HCl गिब्साइड H+ Cl H2SO4 HNO3 CH3 COOH, ये सब जल में घुल के हाइड्रोजन यानी आयन और धन एवं ऋण दोनों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। यहाँ पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है, इसलिए यह अम्ल अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। कि अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे कि जल के साथ सांद्र अम्ल की अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, इसलिए सांद्र अम्ल को जल में धीरे धीरे डालना चाहिए और अम्ल डालते समय जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। ऐसा करने से उत्पन्न उष्मा की मात्रा बहुत कम होती। यदि जल को सांद्र अम्ल में मिलाया जाए तो उत्पन्न अम्ल होगा
अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी जिससे मिश्रण मिश्रण में उफान आ सकता है और मिश्रण छलकर चेहरे और कपड़ों को जला सकती है, साथ ही साथ अधिक उत्पन्न ऊष्मा के कारण कांच का बर्तन भी टूट सकता है। अतः सांद्र अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की सलाह दी जाती है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कम हो जाती है। कैसे हो जाती है प्रभावित? तो कम हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देखना। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि हम जानते हैं कि 7 से अगर हमारा कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से इधर ज़्यादा होगा तो ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए का पीएच मान 6 है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा अम्ल होगा, और बी का पीएच मान 8 है, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा ये क्षारीय होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमको पहचान करना है कि इनमें कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय, यानी प्रबल बोल रहा है ज़्यादातर। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसका जवाब है कि विलयन ए के पीएच मान का 6 है तो 7 से कम है, इसलिए विलयन ए अम्लीय है। चूंकि अम्लीय विलयन ही हाइड्रोजन आयन H+ दे सकता है, अतः विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलयन के पीएच मान है जो 7 से अधिक है, इसलिए विलयन ये क्षारीय है, यानी क्षारकीय है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? आइए जो हाँ, क्योंकि क्षारकीय विलयन क्षारक को जल में घुल लाने से बनता है। जब जल में क्षारक घुलते हैं तो जल का भी वियोजन हो जाता है जिससे H+ आयन बनते हैं। H+ आयन की मात्रा घोल में कम होते हैं और क्षारक के घुलने से OH- आयन की मात्रा अधिक होते हैं, इसलिए विलयन क्षारीय होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कोई किसान खेत की मृदा के किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, किस परिस्थिति में? तो चूंकि बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चौक तीनों क्षारक है, इसलिए खेत में इसे तब डाला जाता है जब मृदा अम्लीय हो जाती है। अतः किसान को यह पता चल जाता है कि खेत की मृदा अम्लीय हो गई है, तब से बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चौक खेत में डालते हैं। तो आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स।